मेरे पास एक पुरानी डीवीडी है और ये लंबी कील है जो लकड़ी के गुटके के ऊपर हैमर की गई है। मुझे इस डीवीडी को इस कील के मत्थे के ऊपर संतुलित करना है। इसके लिए मैं कोई गोंद कोई डोरी नहीं इस्तेमाल कर सकता। अगर मैं बीचों बीच डीवीडी को रखता हूँ तो वो छेद में से गिर जाएगी। उसको मैं सीधा वर्टिकली रखता हूँ तो भी वो गिर जाएगी। और इसमें मैं ना तो कोई गूंद इस्तेमाल कर सकता हूँ और ना ही कोई डोरी। इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक लकड़ी का गुटका चाहिए जिसके ऊपर एक लंबा लंबी कील हैमर्ड हो, एक सिक्का और एक पुरानी डीवीडी चाहिए। अब ये देखिए, एक तरीका तो बहुत ही आसान है कि आप सबसे पहले सिक्के को कील के मत्थे पे बीचों बीच रखें और उसके ऊपर डीवीडी को रख दें। डीवीडी आसानी से संतुलित हो जाएगी। पर अगर हम एक और शर्त लगा दें कि ये सिक्का जो है डीवीडी की ऊपरी सतह पर होना चाहिए, नीचे नहीं, तो ये काम थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो जाता है। अब मैं अगर सिक्का बीचों बीच रखूँगा तो देखिए डीवीडी नीचे गिर जाएगी। इसको मैं एक बार और करके आपको दिखाऊंगा। मैंने सिक्के को डीवीडी के बिल्कुल मध्य में छेद के ऊपर रखा है, पर अब मैं इसको टिकाने की कोशिश करूंगा तो सिक्का तो कील के मत्थे पर टिका रहेगा पर डीवीडी नीचे गिर जाएगी। तो इससे भी बात बनी नहीं। अब एक अंतिम बहुत सुंदर सा इसका एक हल है कि आप सिक्के को जो बीच वाला छेद है डीवीडी का उससे थोड़ा सा ऑफ सेंटर करीब 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। और फिर अब ये देखिए, अंदर वाली जो किनार है डीवीडी की उसको आप कील के मत्थे पर संतुलित करें तो आप बहुत आसानी से आप डीवीडी को कील के मत्थे के ऊपर संतुलित कर पाएंगे। क्यों, है ना एकदम मज़ेदार।